सो हेलो स्टूडेंट्स, अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने चार्ज से रिगार्डिंग चार्ज के रिगार्डिंग हमने बात कर ली। चार्ज क्या होता है ये पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो चार्ज अगर मास होता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कौन ज़्यादा मास होता है किसका, ये हमने पढ़ा था। चार्ज और मास में डिफरेंस भी पढ़ा। पॉजिटिव चार्ज, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। ये सब हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आगे कूलम्स लॉ पढ़ा। अच्छा, उससे पहले हमने चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, और उसके बाद कूलम्स लॉ। तो इन सब टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस टाइप से न्यूमेरिकल्स हम लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चन मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो यही सब जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उन्हीं सब के ऊपर में कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। ये एक जो है फाइव बॉल्स हैं वो क्या है, हैंग किए हुए हैं इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच। तो उसमें आपको दे रखा है कि B1 अट्रैक्ट B2, B2 अट्रैक्ट B3, B4 अट्रैक्ट B1, B2 रिपेल, B4, B5 रिपेल, B3। तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द न्यूट्रल बॉल आउट ऑफ द दीज फाइव बॉल्स, ठीक है। इनमें से पांचों में से न्यूट्रल कौन सा है, समझ आ गया होगा आपको कैसे निकालते हैं। तो आपको हम थ्योरी में ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए, समझने की बात है, अगर कहीं पे सपोज चार्ज दिया हुआ है, कहीं पे चार्ज अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कंफर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे रिपल्शन दिया हुआ है, ये रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास चार्ज है, वो कन्फर्म है। कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज के लिए क्या जरूरी होता है, रिपल्शन, ठीक है। अट्रैक्शन है इसका मतलब ये नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे अट्रैक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज बॉडी है, ये ध्यान में रखना है। सो रिपल्शन आपको एंश्योर करता है कि बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, कैसा चार्ज है ये नहीं, ठीक है, समझ रहे ना। तो अब आप देखिए, रिपल्शन के बेस पे हम लोग निकाल लेंगे B2 रिपेल B4, B2 और B4 ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, यानी B पे भी चार्ज है, B4 पे भी, मतलब सेकंड वाले और फोर्थ पे चार्ज है, B5 और B3, 3 और 5 ये दोनों रिपेल कर रहा है तो ये दोनों पे भी चार्ज है, ठीक है। अब ये 1 देखिए अट्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 1 पे चार्ज नहीं है। सो आंसर है ना कौन सा होगा, बॉल नंबर 1 इज द न्यूट्रल बॉल, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि दो बॉल्स हैं इस तरह से जो है कनेक्टेड है आपस में, मतलब ये दोनों क्या है, फिजिकल कांटेक्ट है इन दोनों के बीच, ठीक है, बॉल ए और बॉल बी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है उसको इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को ए के नज़दीक लेके आ रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हमने हटा दिया, ठीक है, और ए और बी को दोनों को क्या किया, सेपरेट किया, ठीक। अभी सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, एक ही डंडी बनाए, लीजिए दो डंडी बना लेता हूँ, ठीक है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि इसको लेके गए तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, इसके इसको कांटेक्ट में नहीं लाए, ये यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, पास में लाए हैं, तो क्या होगा, कौन सा हमने पढ़ा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इंड्यूस्ड चार्ज होगा,
इंड्यूस चार्ज जब भी होता है इक्वल होता है और अपोजिट नेचर का होता है। यहाँ पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और फिर इस वाले सरफेस पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सब थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में। और फिर इस वजह से यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं। और जैसे इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, दोनों को दूर दूर लेके जाएंगे, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, व्हेन ए एंड बी आर सेपरेटेड देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी। तो ये वाला देखिए, इसमें जैसे ही हम लोग लेके जाएंगे, आप इसको हटा दीजिए, ये दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक। इस पे नेगेटिव चार्ज जो है स्प्रेड हो जाएगा इसके सरफेस पे, और इसके सरफेस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फाइंड फाइनल चार्ज ए एंड बी, तो ए पे कैसा हो जाएगा, ए पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं इन दोनों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, उसमें दे रखा है कि तीन चार्जेस दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दिया हुआ है तीन, ठीक है, 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, 8 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड 2 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा चार्ज जो है वो पॉसिबल है, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा था, क्यू इक्वल्स टू एन ई, सो एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई। अगर हमारा एन इंटीजर आ गया, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता था। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, 6.4 × 10⁻¹⁹, ठीक है, q अपॉन e, e कितना होता है हम लोगों को मालूम है, 1.6 × 10⁻¹⁹, कैंसल आउट, 16 × 4 = 64, तो यहाँ से n कितना आ गया, 4, ठीक है, इसका मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल है, ओके। सेकेंड आप चेक कर लीजिए, 8 × 10⁻¹⁹, है ना, ये इंटीजर हो गया इसलिए ये भी है। उसी तरह से एक सेकेंड वाला 1.6 × 10⁻¹⁹, चेक कर लेते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल हटेगा, यहाँ पर 80 आएगा, 16 × 5 = कितना होगा, 80, यहाँ पर भी n इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब ये चार्ज भी पॉसिबल है, समझ आ रहा है आपको। थर्ड वाला चेक करके देखते हैं, 2 × 10⁻¹⁹ कूलम है, डिवाइडेड बाई ई करेंगे, ई कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर गया, 4 × 5 = 4, 4 × 5 = 4, यानी इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, जब इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, दिस क्यू इज नॉट पॉसिबल, किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये तीनों क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सिंपल से हैं क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि इफ इज इट पॉसिबल दैट −8 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, ये चार्ज पॉसिबल है इफ क्यू इक्वल्स टू इतना, सो इज इट पॉसिबल मीन्स किसी भी बॉडी पे क्या हम इतना चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो चेक करते हैं फिर से, क्यू इक्वल्स टू क्या, एन ई, तो एन हम लोग निकाल लेंगे, क्यू अपॉन ई, क्यू कितना, −8 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, ये ऊपर गया, 16 × 5 = ठीक है, और ये −19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो −5 × 10⁻¹⁹, तो −50, तो यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर चार्ज, इसका मतलब है ये चार्ज हम लोग किसी भी बॉडी पे सप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। सो ये चार क्वेश्चन बैक टू बैक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, आप लोग 12th में आ गए हैं तो न्यूमेरिकल्स करने की आदत डालिए, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, एक पे है +9 माइक्रो कूलम, ठीक है, और एक पे है -3 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब बोलिएगा कि क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको आइडेंटिकल है फिर दोनों पे चार्ज। आइडेंटिकल का मतलब होता है शेप और साइज, दोनों का शेप सेम है लगभग लगभग, मान के चलिए दोनों स्फेरिकल शेप है, तो स्फेयर 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 ये ला, ठीक है, बन गया स्फेयर, ये भी स्फेयर कर दीजिए, तो इनका जो शेप और साइज दोनों सेम है, आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ, चार्ज कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल है, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल स्फेयर्स ए एंड बी हैव चार्जेस 9 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, दे आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट। इनको पहले हमने क्या किया, टच किया यानी फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाए, ठीक है, और फिर उन दोनों को दूर किया, ठीक। तो जो है जब हम लोगों ने इस तरह से किया यानी कि अब क्या हो रहा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्योंकि फिजिकल कॉन्टेक्ट में आया तो हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट दी फाइनल फोर्स, ठीक है, कैलकुलेट सॉरी फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉडीज, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, एज द चार्ज्ड बॉडीज आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, ठीक है, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेज होंगे वो इक्वली शेयर करेगा टोटल चार्ज। तो हम लोग पहले क्यू टोटल निकाल लें, टोटल चार्ज कितना है 9 - 3 यानी 6 माइक्रो कूलम हुआ। अब चार्ज ऑन ईच बॉडी, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2, इक्वली डिवाइडेड होगा। सो ए पर यानी कि चार्ज ऑन माइक्रो 9 माइक्रो कूलम पे भी अब कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग पहले टच किए फिर दूर करेंगे, तो दूर करने के बाद अब यार आइडेंटिकल है मतलब ऐसा सेम है ना, तो दूर करने के बाद इसके पर भी फाइनल चार्ज 3 और इसके पर भी 3 माइक्रो कूलम 3 माइक्रो कूलम, समझ आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं लेकिन आइडेंटिकल इन शेप होगा लेकिन साइज नहीं होगा, ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कहता है आपको कि दो चार्ज बॉडीज हैं, दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस आर और दूसरे का रेडियस है आपको 3R, ठीक है, एक का रेडियस R दूसरे का रेडियस 3R। अब बोल रहा है कि इस पे -6 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, और इस पे 30 माइक्रो कूलम चार्ज है, क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, इस पे -6 इस पे 30, बड़ा है ज़्यादा चार्ज दे दिया, ठीक। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि दे आर टच्ड एंड मूव अपार्ट, ठीक है, पहले इनको क्या किए, टच किए, ठीक है, एंड देन मूव्ड अपार्ट, ठीक है, सो देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन ईच बॉडीज, ठीक है, दोनों बॉडी पे जो चार्जेज होंगे उनका रेशियो बताना है, ओके। सो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना Q1 और इसको मान लेते हैं कितना Q2, ठीक। सो हमको फाइनल Q1 अपॉन Q2 फाइनल बताना है कितना होगा, ओके। चलिए
सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा दिया हुआ रहता है चार्ज, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स शेप, है ना, मीन्स जो उसका साइज है, सॉरी साइज। तो इस तरह के कंडीशन में क्यू वन अपॉन क्यू टू जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या आर वन अपॉन आर टू होगा, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन में जब उनको हम लोग आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्जेस का जो रेशियो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। सो चार्जेस किस तरह से डिवाइड हो रहा है उनमें, उनके रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। साइज अगर सेम होता तो इक्वल इक्वल हो जाता था, अगर डिफरेंट साइज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, अगर स्फेरिकल है तो आर वन हमारा कितना है आर है और आर टू कितना है थ्री आर है, तो कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्यू टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स क्यू वन। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये हम लोगों को पता चल गया उन दोनों के चार्ज का रेशियो क्या है, लेकिन टोटल चार्ज हमारा कितना है, टोटल चार्ज हमारा जब उनको कांटेक्ट में लाएंगे, ये तो इनिशियल है ना, सॉरी ये आफ्टर टचिंग है, ठीक है, आफ्टर टचिंग जो है उनका चार्ज का रेशियो है। इज इट विजिबल और नॉट आफ्टर टच्ड, नहीं दिख रहा है। After test, ठीक है, so total charge माइनस सिक्स प्लस थर्टी यानी 24 माइक्रोकुलम। ये क्या है, इनिशियली जब हम उसको टच करा रहे हैं, ठीक है, अब आफ्टर टचिंग जब हम लोग उसको टच करा दिए तो जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों को क्या होगा, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्यू वन प्लस क्यू टू, ये कौन सा Q1 फाइनल और Q2 फाइनल, दोनों मिला के कितना आ रहा है हमारा 24 माइक्रो कूलम, और Q1 की जगह पे हम लोग Q1 लिख दें और Q2 की जगह पे 3 टाइम्स Q1 लिख दें इज इक्वल्स टू 24 माइक्रो कूलम। सो Q1 हमारा कितना आ गया अभी, सॉरी Q1 प्लस 3 Q1 4 Q1 इज इक्वल्स टू 24 माइक्रो कूलम, है ना। सो Q1 यहाँ से कितना आ गया 6 माइक्रो कूलम, है ना, 24/4, तो इसलिए Q2 कितना आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 20 सॉरी Q2 कितना है, Q2 इज 3 Q1 3 × 6 यानी 18 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो चार्ज का रेशियो तो हम लोगों को पता चल गया था 1:3 होगा। अच्छा, इसमें ये भी पूछा होगा क्वेश्चन में, अगर पूछ देगा Q1 बताइए कितना होगा, Q2 बताइए फाइनली कितना होगा, तो Q1 फाइनली कितना 6 माइक्रो कूलम हो जाएगा, यानी इस पे माइनस 6 था अब क्या बन जाएगा प्लस 6, और ये प्लस 30 था अब ये कितना हो जाएगा प्लस 18, ठीक है, और दोनों मिला के देखिए 24 हो गया और पहले भी 24 था, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये फॉलो कर रहा है। आ रही बात समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 5-6, तो हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब चार्जिंग वाले पे बेस पे ये हो गया, एक और आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि वो टच कर दिया फिर दोनों का अपार्ट कर दिया, है ना, 3/8 टाइम्स आ जाता है उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर शायद 12 या 13 है, उसको भी हम करवा देंगे, ठीक। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, अब कूलम्ब्स लॉ पे छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक में इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ ही है। तो इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक क्यू है और एक 4 क्यू है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल दे रखा है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L, ओके, और हमसे ये कह रहा है कि उन एक ऐसा थर्ड चार्ज कोई सा भी हो, ठीक है,
कोई भी थर्ड चार्ज मान लीजिए क्यू होगा, वो इस तरह से रख रहे हैं कि जो सिस्टम है, एंटायर सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो फाइंड द, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड नेचर मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन, द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक दिख रहा है? हाँ, ओके। तो इसमें लोकेशन भी चाहिए, नेचर भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज भी चाहिए, कि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं आप? कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब है कि उस समय पे जो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम होगा वो जीरो होगा, और हर एक जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा मतलब जीरो फोर्स, मीन्स उसके ऊपर में किसी भी तरह का कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, जीरो नेट फोर्स लग रहा होगा। सो इन दैट टाइम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं ये, है ना। दो बॉडीज था, उनके बीच में कोई तीसरा बॉडी रखे तो वो न्यूट्रल पॉइंट होता था, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए, ठीक, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट, जो थर्ड चार्ज होगा वो मैंने तो यहाँ रख लिया है, कोई जरूरी है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, पहले चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग सपोज यहाँ पर रखते हैं थर्ड चार्ज को, मान लेते हैं पी पॉइंट पर थर्ड चार्ज रखे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पर पी है, तो इस जगह पर इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव, क्योंकि यहाँ पर पी जो भी होगा वो कैसा होगा हम लोगों को पता तो है नहीं, हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो इसकी वजह से जो इधर लग रहा होगा फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, अगर पॉजिटिव होगा, है ना, तो दोनों की वजह से इधर ही लग रहा होगा, नेगेटिव होगा तो इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर, तो चाहे वो पी पॉइंट पर जो चार्ज थर्ड चार्ज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कभी नेट फोर्स जीरो तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर। इधर की तरफ हम लोग बात करके देखते हैं, यहाँ भी वही बात होगी, ये अगर पॉजिटिव है तो इधर, ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी इधर, है ना, यानी कि इधर हो या इधर हो एक ही बात हो रहा है, ठीक। मीन्स दोनों फोर्स अगर हम लोग इसके लेफ्ट में रख रहे हैं तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम, दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में होगा, और इधर रख रहे हैं तो दोनों फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग रख रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो आप देखिए इसकी वजह से पॉजिटिव है तो रिपल्शन इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से रिपल्शन इधर की तरफ, ठीक है। अब डिस्टेंस कि कहाँ पर होगा ये नेट फोर्स जीरो, आप समझ सकते हैं ये एक्चुअली ऐसे तो आ ही जाएगा वहाँ पर जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे उसकी, ठीक है, डिस्टेंस की, फिर भी आप समझ सकते हैं यहाँ बीच में तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल चार्जेस है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर 4q चार्ज है, और अगर इस साइड रखेंगे तो डिस्टेंस कम चार्ज ज़्यादा, तो इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे चार्ज तो खैर दोनों का प्रोडक्ट ही है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्या है कम है, तो इसकी वजह से फोर्स यहाँ ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस साइड में इसके पास में यहाँ पर कहीं पे आएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है वो प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे मान लिए, ठीक, जहाँ पर कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स, है ना। तो लेट द चार्ज क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो आया अब हमारा इसकी वजह से पूरा चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम मीन्स उसके ऊपर में नेट फोर्स है ना एफ नेट ऑन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। इसका मतलब है कि इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों की वजह से यानी कि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, ठीक है,
ड्यू टू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू फोर क्यू, दोनों इक्वल होगा। ओके अब हम लोग कूलम्स लॉ लगा दें, तो फोर्स का फॉर्मूला के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्मॉल क्यू इनटू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से इन दोनों की वजह से के क्यू इनटू फोर क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कैंसिल, ये भी गया, ये भी गया, जिंदगी बर्बाद। तो 4 बचा है, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू l माइनस x का होल स्क्वायर, सिंपल है। 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू l माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म। 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस l माइनस x, प्लस माइनस को यहाँ पर रख दीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू एल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया l बाई 3, और यहाँ से माइनस माइनस 2x प्लस x तो माइनस x है ना, इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस x तो माइनस x इज इक्वल्स टू एल, यानी x इक्वल टू कितना माइनस l, यानी x इक्वल टू माइनस l, यानी लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे रिजेक्टेड, यानी ये जो है अभी आपको बताया भी था यहाँ से l बाई 3 डिस्टेंस पे जो है ये क्या होगा l बाई 3 डिस्टेंस पे ये चार्ज होगा, ठीक है, ताकि जो q चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या लगे जीरो लगे, ठीक है। ओके दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, लोकेशन तो हमने बता दिया, अब नेचर भी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं इन दोनों में से कोई एक चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फॉर सपोज क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को अलग क्वांटिटी निकालना है ना, कैपिटल क्यू चार्ज निकालना है, यहाँ पर कर रहे थे तो कैपिटल क्यू कट रहा था, तो अब इस तरह से करें कि कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाए, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अब इक्विलिब्रियम में लेते हैं, तो क्या होगा 4 है ना, सॉरी के क्यू मतलब ये इक्विलिब्रियम में इसका इसकी वजह से और इसका इसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, दोनों का नेट सम, ठीक है। सो के क्यू अपॉन कितना, अच्छा ये क्यू भी आएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू, देखिए इसका एक बार इसकी वजह से हो गया, अब इसी का इसकी वजह से देखना है, सो इंटू फोर क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है एल इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस चार्ज पर दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स दोनों का फोर्स का सम जीरो होगा, क्योंकि आप देखिए इसकी वजह से इधर लग रहा है और इसकी वजह से इधर लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए प्लस होगा, क्लियर है। हाँ अब देखिए यहाँ से के और क्यू आपका कॉमन आ गया, और यहाँ से बच रहा है क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के क्यू हमारा कॉमन आ गया, तो ये दोनों कॉमन आ गया, तो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के क्यू, हाँ फोर क्यू अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये सारे टर्म उधर आके क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्लियर है। सो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर क्यू अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो, सो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर क्यू अपॉन एल स्क्वायर, है ना। सो चार्ज कैपिटल क्यू अब देखिए आ गया ना इस फॉर्मेट में इंटू में एक्स स्क्वायर, सो माइनस फोर क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और एक्स हमारा कितना आ गया था यहाँ से एल बाई थ्री, तो एल स्क्वायर अपॉन में 9 हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे एल बाई थ्री का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसल, तो इसका मतलब है जो
बिग वाला चार्ज यानी जो थर्ड चार्ज था दिस इज माइनस 4/9 टाइम्स क्या रहा है स्मॉल क्यू आर है नहीं दिख रहा होगा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है तो देखिए जो हमारा जो थर्ड चार्ज आया वो कितना आ रहा है माइनस 4/9 टाइम्स स्मॉल क्यू ठीक है तो देखिए नेचर भी निकल गया हम लोगों का कहाँ गया भाई नेचर निकल गया क्या है नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड कितना हो गया माइनस 4/9 टाइम्स द इनिशियल चार्ज ठीक और लोकेशन कितना L/3 डिस्टेंस ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा और वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द दो टू चार्जेज है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द एफ्स डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ठीक है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मींस एप्सिलॉन नॉट क्या होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है यूजिंग कूलम्स लॉ किसको यूज करना है कूलम्स लॉ क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ यही जानते हैं आगे चल के और भी लॉज पढ़ेंगे उसमें भी आएगा तो कूलम्स लॉ को यूज कर लेते हैं तो फार्मूला आपका क्या कहता था फोर्स इज इक्वल्स टू के ये नहीं यहाँ पर लेना पड़ेगा 4/ε0 है ना Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो 4F × 4π × r² एक काम करते हैं उसको उधर लेके चले जाते हैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया सो 1/4πF³³/r² समझ आ रहा है तो जिसका डायमेंशन निकालना था उसको हम लोग एक साइड ले लिए अब इधर सबका डायमेंशन 4π का कोई डायमेंशन नहीं होता चार्ज का कितना होता है A × t तो फिर ये भी चार्ज है तो A²t² हो गया और अपॉन में F का डायमेंशन फोर्स mLt-2 और डिस्टेंस का L तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है तो L² हो गया तो अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखिए फाइनली आ गया m ऊपर जाएगा तो m-1 L1 और 2 3 है ऊपर जाएगा तो -3 m-1 L-3 t -2 + 2 तो 4 ये ऊपर जाएगा और a पे कितना है 2 सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना एप्सिलॉन नॉट क्लियर है m-1 L-3 t 4 है ना L-1 L-3 t 4 a 2 करेक्ट नेक्स्ट अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ क्योंकि ये लॉजिकल टाइप का है मतलब लॉजिकल नहीं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 9 इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q and Q पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर एट रेस्ट एट रेस्ट इज F ठीक है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जब वो रेस्ट में थे तो उस समय में फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है F ठीक है तो अब पूछ रहा है कि नाउ इफ अ चार्ज माइनस क्यू नाउ इफ अ चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू क्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू क्यू ठीक है सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन क्यू व्हाट विल बी द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू
इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। और इसके दो पार्ट हैं, सेकेंड पार्ट इसका है आपको टोटल फोर्स ऑन क्यू, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, ठीक है, इसमें स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बहुत सारी चीज़ें थी इसलिए इसको पूरा लिख दिया। अब आप इसको ट्राई कीजिए, पॉज करके जल्दी से सोचिए, देखिए समझ आ रहा है कि नहीं। सो आई थिंक आप लोगों से हो गया होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू है, ठीक है, और इन दोनों रेस्ट में है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है ना वो अभी लग रहा है कितना, कैपिटल का। इफ अ चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू क्यू, तो इस जगह पर हम क्या करते हैं माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, नेक्स्ट टू क्यू मतलब उसके जस्ट बगल में, तो देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, ठीक। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है ना आगे जाके इस क्वेश्चन को कराना था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उस समय में ये थोड़ा आएगा, लेकिन फिर भी आपको कूलम्स लॉ में मैंने इतना बता दिया है कि जब हम लोग दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो तीसरे चार्ज को हम लोग नहीं देखते हैं, हमेशा दो चार्ज के ही बीच में ये देखता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को जब बोल रहे हैं कि क्यू एंड क्यू के बीच में फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, तो अब हमसे पूछ दिया कि फोर्स ऑन क्यू टू टू क्यू, तो इसके ऊपर में फोर्स इसकी वजह से, तो ये कौन, कोई नहीं, इसको भूल जाना है, देखता है अभी नहीं है, ठीक है। तो अब भी जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आंसर क्या होगा, फोर्स एफ ही लगेगा, थर्ड चार्ज को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, जब हमसे ये पूछता इन दोनों की वजह से चार्ज क्या होगा तब, या फिर इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा तब, ठीक है। जब थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग इसकी वजह से इसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे, ये ध्यान में रखना है। कूलम्स लॉ सिर्फ दो चार्जेस के बीच में ही फोर्स दे सकता है। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है कि टोटल फोर्स ऑन क्यू, क्यू के ऊपर अब टोटल फोर्स क्या होगा, तो इस जगह देखिए यहाँ पर Q1 जो है वो हमारा Q माइनस Q जीरो हो गया और Q2 जो है वो कैपिटल Q है, समझ रहे ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन डिस्टेंस जो भी हो R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो Q1 है यहाँ पर क्योंकि दोनों चार्ज मिलकर जीरो फोर जीरो चार्ज होगा तो समथिंग इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। समझ आ रहा है आपको कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 कहता है कि दो चार्जेज हैं The system of two charges are carried to space. ठीक है, so then find the tension, है ना। क्वेश्चन है कि द शोन अरेंजमेंट इज कैरीड टू स्पेस, फाइंड टेंशन व्हेन स्मॉल बॉल कैरी चार्ज क्यू, मीन्स क्यू वन भी क्यू है और क्यू टू भी क्यू है, उस और इस पूरे सिस्टम को स्पेस में लेके जा रहे हैं, ठीक है स्पेस, तो है ना फाइंड द टेंशन, टेंशन कितना होगा। तो जब हम इसको स्पेस में लेके जाएंगे तो उस समय में आपको समझ आ रहा होगा
कि जो यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन दैट विल बी इक्वल्स टू द टेंशन, मीन्स उन दोनों के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो भी जिस चीज़ से जुड़ा होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मीन्स इसको जब हम उठाएंगे तो ये किसी न चीज़ से जुड़ा होगा, एक रॉड से, स्ट्रिंग से, तो उसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इसको है ना स्पेस में ले जाना पॉसिबल नहीं होगा, अनइक्विलिब्रियम में होगा। सो इसको सिस्टम को क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी हम इसको स्पेस में लेके जा सकेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टेंशन। सो दिस टेंशन इज इक्वल्स टू के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L, क्योंकि यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है। सो दिस टेंशन कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। समझ आ गया सबको? ओके, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दो चार्जेस हैं ठीक है Q1 एंड Q2। Q1 है हमारा 5×10⁻⁶ कूलम मीन्स 5 माइक्रो कूलम, सॉरी, और Q2 है 3×10⁻⁶ कूलम यानी 3 माइक्रो कूलम है। Q1 Q2 दो चार्जेस दे रखे हैं, जो Q2 का जो लोकेशन है वो है 3, 5, 1, इट इज एट कोऑर्डिनेट 3, 5, 1, और Q1 इज लोकेटेड एट 1, 3, 2, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो मीटर में है। ठीक है, मीन्स वो डिस्टेंस नहीं, जो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ये स्पेस में रखा हुआ है 3, 5, 1, यानी 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग, और ये भी एक्स वाई जेड के अलोंग मीन्स स्पेस में रखा हुआ है दो चार्ज। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन है ना फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड ऑल्सो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, यानी दोनों फोर्स चाहिए, यानी वन फर्स्ट वाला दूसरे पे कितना लगा रहा है और दूसरा वाला पहले पे कितना लगा रहा है, और इसमें हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए दो चार्जेस, दिस इज सपोज Q1 एंड दिस इज Q2, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा ना, क्योंकि ये देख रहे हैं दोनों को ज्वाइन करने वाला जो होगा इसका कोऑर्डिनेट 1, 3, 2 और इसका कोऑर्डिनेट 3, 5, 1, तो ज्वाइन जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली होगा, कहीं भी होगा, कोऑर्डिनेट्स के साथ आप उसको देख सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 बोल देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर R2 बोल देते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R12 या R21 दोनों इक्वल ही होगा। सो हम लोग बात कर लेते हैं R21 की। ठीक है, R12 की कर लेते हैं, एक ही बात है, R2 माइनस R1, जानते हैं हम लोग पोजिशन वेक्टर, अगर R12 चाहिए तो R2 माइनस R1, अगर R21 चाहिए होता तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी R1 माइनस R2 हो जाता। ठीक है, सो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को कूलम्स लॉ लगाना है ना, तो
दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक, तो आर टू माइनस आर वन, आर टू हमारा है कितना, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसे यूज करेंगे। माइनस आर वन, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। एग्रीड, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 माइनस 1, तो 2i कैप, 5 माइनस 3, 2j कैप और k माइनस 2k, यानी माइनस k कैप। सो दिस इज आर वन टू वैक्टर। अगर हम इसका आर वन टू का मैग्नीट्यूड की बात करें तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 का रूट कितना हो गया, 3। एग्रीड, मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, 3 मीटर है। एग्रीड, समझ आ रहा है? ओके, तो R12 का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा, है ना, 1 से 2 इधर से इधर की तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगा सकते हैं। सो F21 मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सो ये कम्स आउट टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और क्योंकि F21 का डायरेक्शन ये है ना, तो ये डायरेक्शन में कौन सा है, R12। ठीक, तो R12 कैप यही होता था कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। सो दिस कम्स आउट टू बी 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2। Q1 हो गया 5 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का 3 यूनिट इंटू आर कैप। ठीक है, अच्छा R12 कैप कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। R12 कैप इज इट विजिबल, R12 कैप, यस, ये R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो R12 कैप कितना हो जाएगा, R12 कैप विल बी इक्वल्स टू 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। एग्रीड, सो ये हो गया इंटू में वही 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, है ना। सो 3 का स्क्वायर 9 और 9 कैंसिल आउट हो गया, इट कम्स आउट टू बी 5 × 3 = 15 × 10⁻², और प्लस 9 तो 10⁻³। सो वी कैन राइट इट एज 1.5 × है ना 10⁻²⁺ न्यूटन। अब ये तो हो गया, और डायरेक्शन की बात जब हम लोग करेंगे तो डायरेक्शन हमारा किधर की तरफ हो गया, यही 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, सो दिस इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन कूलम फॉर्म। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो हम लोग सीधा क्या लिख देते, 1.2 × 1.5 × 10⁻²⁺ क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? अगर हम लोगों का ये जब आ गया तो हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि और भी इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये 3 3 3 समय से बाहर आ जाएगा, है ना,
तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होगा और ये वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं ना, 3 सब में से बाहर आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये इतना कैप, ठीक है। सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज विल बी, हम लोग देख रहे हैं ये वाला इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। सो माइनस एफ टू वन, क्लियर। तो एफ वन टू जो होगा दिस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 और इंटू में यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं और ये सब ऐसे ही रहेगा 2/3 आई कैप, है ना। यही चीज़ मतलब सिर्फ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 अपॉन r21, r21 और r12 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स r12, है ना, तो वो r21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम सीधा लिख देते हैं माइनस टाइम्स, तो यहाँ माइनस जो रहेगा उसको बाहर निकाल लिए, प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 जे कैप, ठीक है। सो दिस इज योर नेट फोर्स, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, F12 और F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, ठीक है। मैग्नीट्यूड में आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ वाला 3 जो है इसमें आके डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो 3 जो है वो पोजीशन वो डायरेक्शन वाला 3 है, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड रहेगा तो 3 को कॉमन नहीं लेंगे, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक चार्ज है 4q और दूसरा चार्ज है 2q, ठीक है। ये दोनों आपस में x डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ओके, ठीक है। तो ये 4q एंड 2q जो है वो x डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई एक थर्ड चार्ज स्मॉल q रख रहे हैं, ठीक है, थर्ड चार्ज स्मॉल q रख रहे हैं, सो दैट 4q टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो फाइंड दी पोजिशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इससे इक्विलिब्रियम वाला शुरुआत में ही, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन ऐसे कुछ था, ठीक है। तो अभी किए थे 4q टू बी इन इक्विलिब्रियम फाइंड द पोजिशन ऑफ क्यू, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये जो है दोनों अगर सेम नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये क्यू जो होगा वो स्मॉल चार्ज के पास में होगा, हम लोग देख चुके थे। बट मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको क्यू को लार्जर चार्ज के पास रख रहा हूँ, तो आंसर देखिएगा ये ऐसा आएगा कि वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। सो मान लेते हैं ये 4q से a डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x-a, ठीक है। सो 4q टू बी इन इक्विलिब्रियम फाइंड पोजिशन ऑफ क्यू, तो लेट क्यू बी ई एट, है ना, ए डिस्टेंस फ्रॉम 4q, ठीक है। आप किसी से भी डिस्टेंस मान सकते थे, इससे x डिस्टेंस, इससे a डिस्टेंस मान सकते थे, तो ये x-a हो जाएगा, ठीक। तो ये 4
Q to be in equilibrium, we can say that force on Q है ना due to 4Q must be equals to force on Q due to 2Q. इसके ऊपर में इसकी वजह से जो फोर्स होगा और इसके ऊपर में इसकी वजह से जो फोर्स होगा, क्यों 4Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, 2Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्शन होगा. इसलिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी जाके स्मॉल Q जो है इक्विलिब्रियम में हो पाएगा. सो आप देखिए यहाँ से K इसके ऊपर में 4Q की वजह से K Q into 4Q अपॉन में A स्क्वायर और इसकी वजह से K 2Q into Q अपॉन X माइनस A का होल स्क्वायर. क्लियर? सो आप देखिए K और K कैंसिल आउट हो गया, Q Q भी जिंदगी से गया, 4 बचा हुआ है, ठीक है, 2 से 4 जाएगा, Q से Q जाएगा, है ना. सो आपका क्या बच रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. क्लियर? कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है. अब आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 इंटू एक्स माइनस ए का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं ना. या फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो वही चीज आएगा, रूट टू टाइम्स. सो ए इक्वल टू रूट टू इंटू एक्स माइनस ए, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं कैलकुलेशन को बड़ा करने के लिए, रूट टू एक्स माइनस रूट टू ए, ठीक है. तो ए प्लस रूट टू ए इक्वल्स टू रूट टू एक्स. सो आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, a कॉमन 1 प्लस रूट टू अपॉन रूट टू, ठीक है, रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू. क्लियर है? सो लेकिन हम लोगों को x नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, a चाहिए, है ना. तो ये कैलकुलेशन आप इसको छोड़ दीजिए, ए चाहिए था हम लोग को. तो ए कितना हो गया, 1 प्लस रूट टू इक्वल्स टू रूट टू एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स लिया हुआ है तो सब जगह पे कैपिटल एक्स रखिए, है ना, वहां पर कैपिटल एक्स है. सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहां से, रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू इंटू ए, ठीक है. अब इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें रूट टू की वैल्यू या रेशनलाइज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी, देखिए ये रूट टू कट जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन रूट टू, इसको सॉल्व करने के लिए बताता हूँ, रूट टू अपॉन रूट टू कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन रूट टू इंटू ए, 1 है ना प्लस 1 अपॉन रूट टू कितना होता है, 0.707, ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा, यार बार बार क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोगों को ए चाहिए ना, एक्स क्यों निकाल रहे हैं. तो ए हमारा हो गया 1 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू रूट टू एक्स. तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट टू इंटू एक्स. क्लियर है, है ना, a चाहिए था ना हम लोग को, x तो ऑलरेडी गिवन है हमारा, ठीक. तो a की वैल्यू हो गई हमारी इतनी. अब देखिए ये कितना है, इसको आप चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं. तो दिस इज रूट टू जीरो कितना होगा, 1.414 डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस 1. यानी इतना तो समझ में आ गया कि ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक. इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये आ जाता है 0.59 टाइम्स x, यानी x का लगभग 0.59. तो 0.5 से ज़्यादा आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये इट विल बी नियर द चार्ज 2Q. समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है. तो ये आपका कैलकुलेशन है, ठीक. अगर आप इसमें चाहें यहाँ पर माइनस चार्ज भी लेके देख सकते हैं,
माइनस एक बार प्लस होता है ना, इसको हटाने का, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस ए, तो ए इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू ए, तो ए माइनस रूट टू ए इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स, तो ए इंटू वन माइनस रूट टू इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट टू इंटू एक्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ से वन माइनस वन पॉइंट वन फोर वन फोर, ठीक है, ये जो है वैल्यू कुछ अलग आएगी, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, है ना, 1.414 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.414, ठीक है, तो ये आ रहा है 1.414 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.414, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 0.414, ठीक, और इनटू एक्स, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये समथिंग x के बराबर होगा, x से यानी कि ज़्यादा हो गया वो उधर, वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, x से ज़्यादा आ रहा है ना यहाँ पर, देखिए ना वन से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वो राइट साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज क्यू, उधर पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए, सो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 0.59x, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, जो बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इंस्पायर्ड, और कूलम्स लॉ का इस्तेमाल है, ठीक है, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन और कूलम्स लॉ दोनों को यूज करेगा, और ये एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 ऐसे कुछ है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज में है वो एनसीईआरटी के, उसमें बोल रहा है एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास एक ए है और एक बी है, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, कुछ ना कुछ बोले तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, इस पे भी क्यू रख देते हैं, इस पे भी क्यू रख देते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक थर्ड चार्ज हम लोग लेके आते हैं, इसका नाम है सी और इसके ऊपर में चार्ज कितना है, जीरो, यानी न्यूट्रल है, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्यू, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज क्यू, इन दोनों के पास एक थर्ड चार्ज को ला रहे हैं एक एक करके, पहले हम लोग किसके पास लाए, ए के पास लाए, ठीक है, लाए मीन्स इसको दोनों को फिजिकल कॉन्टैक्ट कराया, यहाँ पर दोनों के बीच में हमने फिजिकली कॉन्टैक्ट कराया, तो आप समझ सकते हैं कौन सा हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्लियर है, तो जब ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे तो उसके बाद फिर उसको सी को वहाँ से हटा लिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ अब कौन बचा यहाँ पर, ए, ठीक, उस सी को फिर अब क्या कर रहा है, इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, वहां से हटाने के बाद जब यानी चार्ज हो गया वो, ठीक है, तो उसके बाद जब चार्ज हो गया इसके साथ जब कॉन्टेक्ट में लाए, फिर अब बी के साथ उसको कॉन्टेक्ट में लाएंगे, ठीक है, और फिर इस सी को ए और बी दोनों से दूर कर देंगे, ना ही ए के कॉन्टेक्ट में रहेगा ना ही बी के कॉन्टेक्ट में होगा, तो अब नया फोर्स जो है पूछ रहा है हम लोगों को कि इस ए और बी के बीच में न्यू फोर्स क्या होगा, ये फाइंड करना है, क्लियर है, तो अभी आप सोचिए जब शुरुआत में ए और बी था सिर्फ, ठीक है, और दोनों के ऊपर में है ना चार्ज क्यू क्यू था, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन मान लीजिए कुछ दिया हुआ होगा आर, 50 सेंटीमीटर है शायद क्वेश्चन में दिया हुआ, हम आर मान के चलते हैं, तो अभी आपका फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनिशियल में फोर्स इसका इतना है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एग्रीड, अब हम लोगों को फाइनल फोर्स निकालना है, फाइनल फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि अच्छा सेपरेशन जो बाद में फाइनल जो सेपरेशन होगा ना ए और बी के बीच में जितना इनिशियल था उतना ही रहेगा, ठीक है, फाइनल, अब जो नया ए है नया बी है, ठीक है, ए डैश बोल देता हूँ इसको, बी डैश बोल देता हूँ, ठीक, ए डैश बी डैश ये तो ए ही रहेगा,
ए डैश बी डैश नहीं होगा, चार्ज चेंज होगा इनका, ठीक है। तो अब न्यू फोर्स हम लोग को चाहिए, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे पॉज करके, नहीं किए अच्छी बात है। तो देखिए जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे तो चार्ज दोनों का आइडेंटिकल है। ये क्वेश्चन में एक भी गिवन है कि ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेज हैं, मीन्स दोनों का शेप साइज सेम है और इसलिए चार्ज जो है दोनों इक्वली शेयर करेगा। तो टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा क्यू बाई टू, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा क्यू बाई टू। एग्रीड। अब जो चार्ज ये वाला जो सी था, इस सी को यहाँ उठा के लाए, तो यहाँ पर कितना हो गया ये क्यू बाई टू। एग्रीड, ठीक है। तो होशियारी करी सी ने। अब देखिए बी और सी को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो कितना कितना चार्ज लगेगा, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है अब चार्ज देखिए क्यू प्लस क्यू बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा थ्री क्यू बाई टू, है ना, समझ आ रहा है। टोटल दोनों का चार्ज कितना हो गया थ्री क्यू बाई टू। अब ये थ्री क्यू बाई टू दोनों इक्वली शेयर करेंगे तो इसका हाफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये थ्री क्यू बाई फोर इस पे और थ्री क्यू बाई फोर इस पे, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यानी फाइनली ए के ऊपर में चार्ज कितना हो गया क्यू बाई टू और बी के ऊपर में चार्ज कितना हो गया थ्री क्यू बाई फोर, समझ आ गया। अब इस सी को भागा के जहाँ ले जाना है ले जाइए, ठीक है, वो लेके चले गया कहाँ पे, कहाँ लेके जाना है, ठीक है, लास वेगास पे लेके चले जाइए, ठीक है, गया मर गया सी, जाना चाहिए था हम लोगों को, चले जाता है कोई भी। चलिए हम लोगों का अब न्यू जो फोर्स होगा, फोर्स वो क्या होगा के इंटू क्या क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन अपॉन डिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था, ठीक है, इनिशियली अरे ए और बी के बीच में आर डिस्टेंस था, फाइनली हम सी को जब हटाए अब ए और बी के बीच में अभी भी सेपरेशन वही रखना है, चेंज नहीं करना है। हाँ क्वेश्चन में पूछ देता, अब सेपरेशन को डबल कर दिए तो यहाँ पर आर बाई टू आर लिख देते, सेपरेशन को हाफ कर दिए तो आर बाई टू लिख देते, वन थर्ड करना है तो आर बाई थ्री लिख देते, थ्री टाइम्स करना है तो थ्री आर लिख देते। आ रहा है समझ में, 10-20 ग्राम तो आया ही होगा। ओके तो अरे क्या हो गया अब इसमें क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो अभी भी दिख रहा है हम लोगों को के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बच रहा है क्या 3/8, हो गया जिंदगी खराब। तो जो नया फोर्स होगा ना पहले से कम हो गया, कैसे 3/8, ये देखिए के क्यू बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर था फोर्स के बराबर, तो शुरुआत में जितना फोर्स था अब कितना हो जाएगा अरे बोलो 3/8 टाइम्स, 3/8 टाइम्स कम है या ज़्यादा है, थ्री न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो फोर्स जो होगा नया फोर्स 3/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कर दिए, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे, इसके बाद और टॉपिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ना, ऑन एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन गॉस लॉ पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक अभी इस चैप्टर में बच रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए आप लोग प्लीज़ अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, आप लोग इस बीच में पढ़ाई का आनंद लीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई में मन लगाइए और आपका पढ़ाई नुकसान ना हो, स्कूल्स अभी बंद हैं इस वजह से आप लोग घर पे बैठे बैठे टाइम वेस्ट करते, इधर उधर भागते, इधर उधर भटकते, टेंशन में रहते, सो आपको इंगेज करने के लिए थोड़ा बहुत मैं है ना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास में गैजेट्स वगैरह सब की कमी है बहुत सारी, बस किसी तरह से जुगाड़ लगा के बोर्ड मिला है ना, और जुगाड़ लगा के मोबाइल मिला है, नहीं मोबाइल था ही, ठीक है। सो मोबाइल के थ्रू हम जो है रिकॉर्डिंग करके जैसे भी हो गलत सही उल्टा सीधा आपको बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई करते रहें, न्यूमेरिकल्स अधिक से अधिक करें, ठीक है। बुक्स नहीं होगा अभी आपके पास मैं मानता हूँ, तो जितना क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कीजिए,
ठीक, तो और इन्जॉय कीजिए फिजिक्स को, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम पास कीजिए, बोर मत होइए, मूवीज़ देखिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।